नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है आपके लिए कि स्कूल रीओपन कब होंगे। आप सब सोच रहे हैं कि स्कूल रीओपन कब होंगे, तो यहाँ पे एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, तो उनका एक निवेदन आया है, उनका एक ट्वीट आया है, तो उसकी बात करेंगे। यहाँ पे तीन फैक्ट्स के ऊपर गौर किया जा रहा है स्कूल रीओपन करने के बारे में। तो ये तीन फैक्ट्स क्या है और इसके आधार पर कब आपके स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं या तो हो सकते हैं, उसके ऊपर जो निवेदन दिया है उसकी बात करेंगे स्टूडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल AICSIT। तो यहाँ पे देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि स्कूल रीओपन होंगे या नहीं, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। तो इसके बारे में यहाँ पे जो ट्वीट आई है, तो ट्वीट में ये कहा गया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स के डायरेक्टर है, उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन जब तक नहीं हो जाता है तब तक हम स्कूल को रीओपन करने के बारे में नहीं सोच पाएंगे। क्योंकि इसका रीजन ये है कि बच्चे जो है उनको इतना असर अभी तक नहीं हुआ है और थर्ड वेव में भी जैसे बताया जा रहा है तो कुछ कुछ असर होगा बच्चों को, लेकिन वो ये संक्रमण के लिए एक वाहक बन सकते हैं। तो जब वाहक बन सकते हैं तो यहाँ पे और जो टीचर्स होंगे या तो कहीं पर उनके फैमिली मेंबर्स होंगे तो उनको भी ये दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं कोरोना की। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि स्कूल रीओपन करने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने ये बताया है कि इसके बारे में सबसे पहले जो 2 से लेकर के 18 साल का जो बच्चों का जो ट्रायल था, उस ट्रायल का सेकंड फेज और थर्ड फेज उसका डेटा हमारे पास सितंबर एंड तक आएगा, मतलब सितंबर के एंड तक वो डेटा आएगा। तो उसके बाद ही यहाँ पे सोच विचार किया जा सकता है। तो ये पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है, यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वैक्सीनेशन का, और वो है फाइजर। तो फाइजर का भी अगर परमिशन मिल जाता है तो वो भी यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, एक विकल्प हमारे पास रहता है वैक्सीनेशन के लिए, ताकि वैक्सीनेशन बच्चों के लिए जब तक नहीं होगा तब तक स्कूल रीओपन नहीं होंगे। और थर्ड फैक्ट जो है वो है जाइडस कैडिला। तो जाइडस कैडिला का जो वैक्सीन है तो उसका भी ट्रायल चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसका ट्रायल जुलाई एंड तक उसका भी डेटा अवेलेबल होगा, तो उसके बाद ही यहाँ पे कुछ सोच विचार किया जाएगा। तो ये मान लीजिए कि इस निवेदन के आधार पर अगर हम बात करें तो सितंबर एंड तक भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उसका जो सेकंड और थर्ड लेवल का जो ट्रायल हुआ था उसका डेटा सितंबर एंड में आएगा। तो उसके बाद ही यहाँ पे वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, उसके बाद ही वैक्सीनेशन को यहाँ पे परमिशन मिलेगी, उसके बाद वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। तो उसके बाद मान लीजिए कि देश की आबादी का सबसे बड़ा जो वर्ग है उनको यहाँ पे वैक्सीनेट किया जाएगा, तो उसके बाद ही स्कूल रीओपन हो सकता है। हालांकि कुछ स्टेट्स ने कहा है कि जुलाई के एंड तक या तो जुलाई में स्कूल रीओपन हो सकता है। अब देखते हैं कि क्या डिसीजन आता है। अदरवाइज यहाँ पे तो ये निवेदन आया है डॉक्टर गुलेरिया का। तो आशा रखता हूँ कि आपको जो जानकारी दी है अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें, और जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उसको रेगुलरली अटेंड करिए आप और पढ़िए। जो भी आपको अभी जो भी ऑप्शन अवेलेबल है वो हम यूज कर पाए और अपने पढ़ाई को अच्छे से अच्छा यहाँ पे कर पाए। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।